विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्षमा मांगनी है या देनी है, तो ये सवाल आपको सजग करेगा, क्योंकि ये क्षमा हमारे जीवन का अंग बननी चाहिए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं, सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं,
मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तपर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चटा डालना है कि क्या मैंने आज शम्मा जलाई है, क्या मैंने शम्मा जलाई है। क्षमा जलाई है यानी क्या, यानी क्या आज मैंने क्षमा मांगी है, क्या आज मैंने क्षमा किया है, आज का दिन मेरा कैसा गया है। एक भी दिन ऐसा न जाए जब आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि लकीरें बनती रहती ना, कर्म बंधन
बनते रहता है, हमारे किसी हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से किसी को हर्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता। अंदर ही क्षमा मांग लो, कृपया मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने मुझसे जो भी वाणी से, क्रिया से, विचारों से, भावों से कुछ गलत हुआ है, लकीर बनी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु को साक्षी रखकर इकाई से यानी इंसाफ के ईश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे कृपया क्षमा करो। मैं दिल से, तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, पूरे भाव से क्षमा मांग लें। कौन बनेगा क्षमापति? कौन बनेगा क्षमापति बाय क्षमा दृष्टि? कौन बनेगा क्षमापति? कौन बनेगा करोड़पति? तो आपने सुना है, यह है कौन बनेगा क्षमापति बाय क्षमा दृष्टि। क्षमा दृष्टि के द्वारा, आपकी क्षमा दृष्टि के द्वारा कौन बनेगा क्षमापति, ये सवाल आपको पूछना है। आपको हर दिन जितनी बार याद आता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में हो, लोगों के नहीं वस्तुओं के भी बीच में हो, आप अपने समस्याओं के बीच में हो, तब ये सवाल आपको मदद करेगा। घर से निकलोगे सवाल लेकर, आज कौन बनेगा क्षमापति, आज कौन बनेगा क्षमापति बाय क्षमा दृष्टि। आप क्षमा कुबेर हो, आप क्षमा कुबेर हो। कुबेर जिसके पास धन था, सबसे अमीर इंसान, उसको कुबेर कहा जाता है। आप क्षमा कुबेर हो, आपके पास इतनी क्षमा की शक्ति है, तो आज कौन बनेगा? जैसे आज कौन करोड़पति बनेगा, तो कोई करोड़ों लेकर निकलता है घर से, आज किसको करोड़पति बनना है, यानी आज चेक किसको देना है, तो उसी तरह आप क्या सवाल लेकर निकलेंगे? कौन बनेगा क्षमापति, आज कौन बनेगा क्षमापति बाय क्षमा दृष्टि। किसकी क्षमा दृष्टि? आपकी क्षमा दृष्टि आज किस पर पड़ने वाली है? और जो जो सामने आते जाएगा, आपको क्लिक होगा, यहां पर मुझे क्षमा मांगनी है या देनी है, तो ये सवाल आपको सजग करेगा, क्योंकि ये क्षमा हमारे जीवन का अंग बननी चाहिए। सारी लकीरें मिटे, ताकि जो चीज़ें हमें रोक रही हैं स्टेबलाइजेशन से, जो बंधन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वे मिट जाएं। देखो कितना फास्ट इंसान कुछ विचार कर लेता है और वो सजग भी नहीं होता। जो नॉन लिविंग वस्तुएं दिखती हैं, उनके प्रति भी वो कितनी बातें बोल देता है। कौन बनेगा क्षमापति बाय माय क्षमा दृष्टि? तो ये सवाल आपको जगाने के लिए है। ये इतनी गहराई तक हो जाए कि हम आसानी से शॉर्ट में भी क्षमा साधना मांग पाएं। कई बार समय नहीं होता है, हम पूरी पंक्तियां कह नहीं पाते, शॉर्ट में भी हम ईश्वर से क्षमा मांग पाएं। क्या क्या विचार हमारे अंदर उठते हैं, क्या क्या मन देखना चाहता है, न्यूज़पेपर में क्या क्या देखना चाहता है, अनजाने में वो साझेदारी करता है, गलत चीज़ों के लिए निमित्त बनता है। तो जैसे ही लगा कि ये गलत चीज़ के लिए विचार आया, हमने तुरंत क्षमा मांग ली। आपको ये करना है, कौन बनेगा क्षमापति बाय क्षमा दृष्टि, आज कौन बनेगा, उसमें आज शब्द डाल, आज कौन बनेगा। हर दिन आप ये सवाल पूछने वाले हैं। हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट। बचपन से ही ईश्वर की तलाश में थे और उसके चक्कर में सारी गुरु सारी ग्रंथ पढ़ लिए। मैं एमएसए ओडिशा की कलाहंडी जिले से बहुत दूर से एक छोटी सी गांव से आई है, टीवी से, और एक चैनल चेंज करते करते आपको दर्शन हुई, तो वहां देखा तो आपको ना बहुत अच्छा लगा, कोई अपना सा घर का जैसे लगा, ऐसे फीलिंग हुआ। और जो सुना फिर आपका नीचे स्क्रोल में मनन आश्रम, ये पुणे की आपकी एड्रेस दिया था, मैं वहाँ तब बेटा छोटा था और घर में
कोई पसंद नहीं करते कि ये सब करो। मैं स्कूल में टीचर थी तब, अभी प्रिंसिपल बन गई हूँ। ये ऑनलाइन शिविर करते करते मेरे बहुत ही चमत्कार मेरे जीवन में आए। 2020 की जो फर्स्ट ऑनलाइन शिविर हुआ, वहाँ मैंने पहली महाआसमानी किया। दिन रात यूट्यूब में मैं तो आपको देख ही रही हूँ, और ऑनलाइन श्रवण तो रोज ही एक ही मिस नहीं किया। और अभी स्कूल में सबको बच्चों को कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू करती हूँ, और आपकी कोटेशन को उड़िया में ट्रांसलेशन करके उसको वाल में लिखी हूँ सबको, बच्चों को पढ़ने के लिए। सभी टीचर ट्रेनिंग से गुजरे, बच्चों को स्कूल में ही विचार मानव क्या होता है, जो हमारे साथ दिन भर कुछ ना कुछ अंदर बोलते रहता है, विचार मानव, बच्चों को बच्चों की भाषा में बताना है। तो टीचर्स को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना है जिससे वे बच्चों के साथ, आज तुम्हारे दिन भर में क्या बातें हुई, विचार मानव ने कहाँ कहाँ अटैक किया, तुमको परेशान किया, मगर तुमने अच्छे से डील किया, तुमने अच्छे से नकारात्मक विचारों को हटा दिया, तुमने कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन से, तुमने कैसे अपनी कॉन्सेंट्रेशन से, तुमने कैसे अपनी कार्य क्षमता से, विचार मानव से डील किया, तुम सक्सेसफुल हो गए, उस पर उनको पॉइंट्स मिलने लग गई, तो बच्चे बहुत खुशी से नए सब्जेक्ट्स सीखेंगे। ये जो सब्जेक्ट्स स्कूल्स में नहीं हैं, जो जीवन के बारे में उनको तैयार करना चाहिए स्कूल के लाइफ से ही, तो वो सब भी चीज़ें आने लग जाएगी। जैसे जैसे प्रिंसिपल है स्कूल के, कॉलेज के, तो वे गुजरते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये नए सब्जेक्ट्स डालने चाहिए, टीचर्स ने पहले सीखना चाहिए, और उनकी उपस्थिति बच्चों के लिए कैसे काम कर सकती है। तो ये सब जो बातें हैं ना, कुछ लोग जाते हैं, गुजरते हैं, तो उनको आइडियाज़ तेजस्थान से आती है, अभी हम ऐसा कर सकते हैं, अभी हम ऐसा कर सकते हैं, ऑलरेडी जो आ रही है आपके अंदर। तो देखो कैसे सारे टीचर्स भी निमित्त बन सकते हैं, तो एक नई सीन ही आ जाएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।